आज हम आपको अपने इंडोर प्लांट से मिलवाते हैं। शुरू करते हैं अपने अरेका पाम से। ये मेरा अरेका पाम है और ये हमारी मनी प्लांट बेल है और वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। हाँ, ये स्नेक प्लांट है। और आ जाओ इधर, मेरे कुछ प्लांट्स रखे हैं। ये है मेरा एग्लोनीमा प्लांट। क्या नाम बताया? एग्लोनीमा। okay. और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ये तो नहीं प्लांट है, इसका नाम मुझे मालूम है। ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट है। हाँ। और ये है पीस लिली। पीस लिली फ्लावरिंग स्टेज में नहीं है। पीस लिली में थोड़ी गर्मी में आते हैं। और इसके अलावा भी है बाहर वाले प्लांट से मिलवाते हैं। सबसे पहले हम मिलवा रहे हैं आपको, ये है हमारी रिबन ग्रास। क्या नाम? रिबन ग्रास। रिबन ग्रास। हाँ, देखो रिबन की तरह तो होती है। और ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू आराम से एक बेबी प्लांट से भी ग्रो करती है। देखो यहाँ से निकाल के लगा दिया तो भी ग्रो करेगा। और ये है कैलाथिया। कैलाथिया मेरा थोड़ा छोटा है अभी। देखो इसके कलर नीचे रेड है इसका। कैलाथिया है ये। और ये है मेरा फाइकस, इसलिए हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये मेरी अपराजिता, वाइट अपराजिता है। इसमें वाइट वाले फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें वाइट फ्लावर्स हैं। और ये है ये हमारे सीजनल प्लांट है वैसे तो। और ये फ्लावरिंग स्टेज में आने वाले हैं। और ये है फर्न, ये फर्न प्रोथेलस है हमारा। और ये है हमारा गुलदावरी। हाँ। और ये है हमारी वेरीगेटेड केरी होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है दूसरी। और ये है हमारा बोट लिली। और ये है वाइट फाइकस। देखो इसकी पत्तियाँ हार्ट शेप्ड होती हैं और ये सर्दी में ही ग्रो करता है, गर्मी में इसकी पत्तियाँ थोड़ी गिर जाती हैं। और ये हमारा पिंक कलर का कनेर। ये है चंपा। और मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा है जेड प्लांट। देखो सर्दी में पौधे नहीं आते। ये ट्यूलिप है और ये पिंक कलर का हमारा रोज। और एक रेड प्लांट ये भी है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये भाई ऊपर वाला ये। हाँ, ये इसको मैं बोल रहा बना रही हूँ, ये भी स्नेक प्लांट मैंने लगाया है। और ये करी लीव्स है। और ये दिखाओ, ये है हिबिस्कस, ये रेड वाला हिबिस्कस है। और ये देखिए, ये है हमारे पिंक वाला रोज। हाँ, ये ड्वार्फ है, इसमें बहुत सारे पिंक भर के आई है। और ये देखिए, ये वाला ये हो गया हमारा डहेलिया है। और ये देखिए गुलदावरी येलो कलर, येलो वाला ना। और ये हमारा गेंदा, गेंदा है, कैलेंडुला है। ये कैलेंडुला है। लेमन ग्रास है, एरोकेरिया का प्लांट है। एक वो गुलदावरी दूसरे कलर की वहाँ पर उधर रखी है। और ये है येलो कलर वाला कैमेलिया है। और ये है पिटूनिया। पिटूनिया बहुत खूबसूरत होती है। और ये ब्रायोफिलम है, इसमें भी येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, अभी फ्लावर्स आने वाले हैं। ये येलो कलर के कनेर हैं इसमें। चांदनी है छोटा वाला, ये छोटा चांदनी है, चांदनी अभी। और ये बड़ा वाला चांदनी का फ्लावर निकल के बड़ी बड़ा गुच्छे वाला। और ये है मेरी तुलसी। और ये है मेरा आइस प्लांट। आइस प्लांट देखा है, आइस प्लांट इसको क्यों कहते हैं कि देखो इसकी पत्तियों पीछे ये बर्फ जैसा लगा हुआ है, ये आइस, ये आइस ऐसे लगता है। ये है तो ये भी सीजनल प्लांट ही, लेकिन ये अभी इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। देखो कलियाँ बनने लगी हैं इसकी। और ये है मेरी, ये मेरा लहसुन। और ये पाम है, ये वाला सोया। और ये है धनिया। ठीक है, ये है पालक। और इसमें बीट रूट भी है। देखो बीट रूट अभी जमने लग गए बीट रूट। और ये मेरी अनियन, ये इसमें कैलेंडुला लगा हुआ है। ऊपर भी लग गया वो, देखो कृष्ण का मेला ऊपर उसकी वो है, जो बेल है ऊपर ये वाला। हाँ।
किसी का मेरा नाम है इसका, इसमें ब्लू कलर के फूल आते हैं, अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन आते हैं इसमें। और देखो एक चीज देखो, कैलेंडुला इसमें मैंने लगाया, देखा रैबिट। और ये बोट लिली बहुत अच्छा ग्रो करता है, बोट लिली भी मैं भी, ये तो फ्लास्ट हमेशा आते रहते हैं बोट लिली में। ब्रायोफिलम देखो ये लीव से ग्रो करता है, देखो ये सारे बेबी प्लांट हैं, इसको हम इसको अगर हम ग्रो करेंगे अलग किसी उसमें, देखो ये सब सब बेबी प्लांट। देखिए तो ये है मेरा प्लांट कलेक्शन, तो आप मुझे बताएं कि मेरा प्लांट कलेक्शन आपको कैसा लगा। जब मेरा खुद का घर होगा तो इससे ज़्यादा होंगे।